जय हिंद। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यह टॉपिक कंप्लीट है तो आप रिविजन के तौर पर भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय है वो है शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो आदिमानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का जो साधन था वो था शिकार। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, तो प्रथम पशु जो था वो था भेड़। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया जो प्रथम पशु था वो था भेड़। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राकार लिपि होती थी और अभी तक यह सही पहचान इसका नहीं हो पाया है। या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर जो एक करीब मानी जाती है वो हमारे ब्राह्मी लिपि के ज़्यादा करीब मानी जाती है। बात हो रही है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था वो था 2500 BC से 1750 BC तक, और जो NCERT में जो है डाटा है वह है 2500 BC से 1800 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य नाम हैं वह हैं मेलुहा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो थी वो मिस्र की सभ्यता थी, यह नील नदी पर थी, और दूसरी सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसे बेलीबोनिया की सभ्यता या सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति भगवान का ये लोग पूजा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित होती थी, तो इसमें जो आकृति चित्रित होती थी वो थी पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति की आकृति चित्रित होती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता से रिलेटेड थी या कांस्य युग की सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो दयाराम साहनी द्वारा 1922 में हड़प्पा सभ्यता का इन्होंने खोज किया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में 1921 दिया रहता है, तो अगर 1922 नहीं दिया हुआ है तो 1921 ही राइट आंसर करिएगा, अगर 22 दिया हुआ है तो 22 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो पुराना शहर था वो था हड़प्पा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो स्थित है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और चनुहोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो और चनुहोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो यह दोनों जो सभ्यता थी या सिंधु नदी के तट पर पाई जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी क्या थे? हड़प्पा के निवासी मूल रूप से क्या थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी सभ्यता थी इनकी, तो शहरी लोग थे, शहरी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियाँ थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो घर बनाए जाते थे वो पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में कच्चे ईंट और पक्की ईंटा का भी पूछा गया है, तो पक्के ईंटों से सिंधु घाटी के जो घर बने मिलते थे वो पक्के ईंटों से बने मिलते थे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह कृषि ही थी। कृषि ही सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह थी नृत्य करतु ही बालिका, या नृत्यरत बालिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लोग निम्नलिखित में से किसकी उपासना नहीं करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी उपासना नहीं करते थे? तो ये लोग जो है मातृ देवी, पशुपति और पीपल, इन तीनों की उपासना करते थे, पर रुद्र का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग रुद्र का उपासना नहीं करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मिले? सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि आज़ादी के बाद भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मिले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक पुरास्थल मिले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी क्यों पुकारते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी क्यों पुकारते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की टीलों की खुदाई हुई थी, जिसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रथम उत्पादन एवं प्रयोग है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्पादन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम उत्पादन जो था वह था कपास था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग संभवतः किसके द्वारा शासित थे? सिंधु घाटी के लोग संभवतः किसके द्वारा शासित थे? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारियों द्वारा सिंधु घाटी के लोग संभवतः व्यापारियों द्वारा शासित थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सैंधो लोगों में सवाधान या सिंधु सभ्यता के लोगों में सवाधान की अनेक विधियां प्रचलित थी, लेकिन उनमें से कौन सी एक विधि का प्रचलन सर्वाधिक था? इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद कौन सी विधियां सबसे प्रचलित थी? तो इनकी जो सबसे प्रचलित विधियां थी वह थी सवाधान और पूर्ण दफन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सैंधो लोग या सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा धातु का सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक प्रयोग करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सैंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? सैंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो थी नगरों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, या खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज
ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो हुई वह लोथल लोथल से हुई लोथल से हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार किस माध्यम से होता था? सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार किस माध्यम से होता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता था वस्तु विनिमय के माध्यम से। सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान से। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगन जहाँ से काली चूड़ियाँ मिली, तो कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। राजस्थान से कालीबंगन जो है वो राजस्थान राज्य से मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है सिंध नदी के आसपास पाई गई, तो यह जो स्थित है वो सिंध सिंध में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बहुत बार ये गलत कर जाते हैं लोग क्वेश्चन, तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा जो भवन है वो था धान्यागार या अनाज भंडार, या जो था वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है या किस प्रांत में स्थित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंध प्रांत में अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है या पाया गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो था चनुहोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा की सभ्यता के लोग पशुपति का पूजा करते थे, इसलिए पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता में किस पशु के पाले जाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट प्रमाण इसके नहीं मिले हैं कहीं पे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर बना स्वास्तिक का चिन्ह किसका सूचक था? तो यह जो राइट आंसर हो जाता है सूर्य पूजा का चिन्ह सूचक था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाई जाने वाली फसलें कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं जौ एवं सरसों हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाई जाने वाली फसलें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंह, हाथी, गैंडा और भैंसा समूह जो है वो मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की किस प्राचीन सभ्यता से घनिष्ठ संबंध थे? पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की किस प्राचीन प्राचीन किस प्राचीन सभ्यता से घनिष्ठ संबंध थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इराक से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो समकालीन थी मोसोपोटामिया की सभ्यता, और मोसोपोटामिया की सभ्यता जो फली फूली वो वर्तमान में इराक में थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को
किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में घर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? किस नगर में घर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल नगर जो था वहाँ पे जो घर की मुख्य घर जो होता था वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? तो मोहन जोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता, इन सभी के नामों से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई वो ही 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक पर एनसीईआरटी में यह डाटा दिया हुआ है, 2500 से 1850 ईसा पूर्व। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसे आप क्लिक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी भारतीय लिपि है जो हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है वो हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब है, पर अभी हड़प्पाई लिपि जो है वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता जो कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब आज के वीडियो से आपका क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? और अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन तीनों का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में बताइएगा आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, 50 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 45 प्लस क्वेश्चन सही हुए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 40 से कम क्वेश्चन सही हुए तो आपकी तैयारी अभी काफ़ी कमज़ोर है, आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,